व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम देख ही सकते हो अभी हम बाहर है एंड बाहर भी हम है लाओस। तो लाओस वियतनाम थाईलैंड के पास वाली कंट्री है एंड यहाँ पे हम अभी थोड़ा चिली कर रहे थे स्ट्रीट्स वगैरह पे। मेरे को ये वाली शॉप दिखी यार, तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल आउटफिट्स ही तो है, नॉर्मल कपड़ों की दुकान होगी, नहीं, यहाँ पे फुल फ्लेज फोटोशूट हो रहा है जिसमें वो तुम्हें पूरा मैं कवर देने वाले, जिसमें तुम ट्रेडिशनल लाओ या फिर थाई ड्रेसेस पहन के जो भी यहाँ पे आसपास के यू नो मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हो, जो कि यही खींच के देंगे। बेसिकली तुम्हें बैठना है और ये तुम्हें सुंदर बना देंगे एंड यू जस्ट हैव टू हैव फन, दैट्स ऑल। एंड वैसे भी जब भी हम बाहर जाते हैं घूमने, हमें हमेशा ये नहीं लगता कि काश यार हमारी सुंदर सुंदर फोटोज आ जाए, तो वो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे। आ जाओ सब आईडी इज हेलो इन लाओस। ओके सो आई वांट टू डू अ फोटो शूट, सो हाउ मच इज इट? द प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 900,000 किप। ओके 9 लाख किप कितना हो मनी है? 3500। तो काइंड ऑफ ये 3500 रुपीस इंडियन रुपीस का हमें पूरी चीज मिलेगी। व्हाट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस? आज वाले फोटोशूट में हम कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, इतनी सुंदर ड्रेसेस है जिसमें हमारा मेकअप भी होगा, हमें एक्सेसरीज भी मिलेंगी, प्लस हमारी 30-40 फोटोज भी खिंचने वाली है जिसमें हमें 8-10 एडिटेड फोटोज भी मिलेंगी एंड बाकी हमें रॉ मिलेंगी जो हम खुद भी एडिट कर सकते हैं एंड फोटो वीडियोज तुम खुद से भी पर्सनली कितने भी बना सकते हो। तो अभी मेन टास्क है मेरा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे एक आउटफिट सेलेक्ट करना है। इतना छोटा सा काम लड़कियों को दे दो ना, इतना मुश्किल लगता है क्योंकि साड़ी सुंदर लग रही है मेरे को। तो जो ये वाली साड़ी तुम्हें ड्रेसेस दिख रही है, ये थाई वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस है और यहाँ पे लाओ वाली है, हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को थोड़ी ब्लिंगी वाली ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इसमें एक्सेसरीज भी होंगी बहुत सारी। मतलब हाफ रेडी हुई हूँ अभी मैं, कैसा लग रहा है? मैंने मिरर में देखा नहीं है, मेरे को खुद नहीं पता कैसा लग रहा है अभी। प्रिंस बिल्कुल परी अप्सरा आई है ऊपर से, ओह माय गॉड दिस इज सो प्रिटी। इन्होंने मेरे को अंदर का इनर भी दिया है, सो ठीक है, अच्छी बात है ये। यानी कि तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, पता मैं डेली लाइफ में पहन सकती हूँ शायद। जस्ट गिव मी एवरीथिंग एक्स्ट्रा लाइक मोर एंड द बेस्ट, मेरे को बनना है, मुझे पूरा बनना है। पहले ये हेयर बैंड हटा देते हैं, फ्राइडे मार्केट वाला 10 रुपये वाला ये पहनते हैं। ओह वाह यार, मेरे को लीसा की याद आ गई, ब्लैक पिंक लीसा। ओह माय गॉड, हमारा मेकअप स्टार्ट हो गया अब, पहले थोड़ी स्किन प्रेप हो रही है। यार देखो मैं गलत वे में नहीं बोलना चाह रही, लेकिन मेरा शेड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं एक पता नहीं टैन ट्रैवल क्या हो गया है, सारे वाइट जा रहे शेड मेरे पे, मेरा मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब मैं तो ओके हूँ, बट मिल तो जाए, मेरे को रेडी होना है। मैंने उनसे पूछा ये थाईलैंड का मेकअप प्रोडक्ट्स है, हमने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, यस, बट ये वाला नहीं यूज़ किया हुआ मैंने। वो कह रहे हैं जो ये कुशन वाला फाउंडेशन है ना, बहुत ही अच्छे से सब कवर हो जाता है। मेरे को थोड़े थोड़े ना स्कूल की याद आ रही है, अब हम ऐसे ही रेडी हो रहे होते थे, ये तो बहुत अच्छे से कर रहे, टीचर तो हमें बिल्कुल ही भूत बना देती थी पता है। देखो तुम पता है खुद से भी बता सकते हो, तुम्हें लाइट मेकअप चाहिए, हैवी मेकअप चाहिए या टचअप चाहिए, कुछ भी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं करवा रही हूँ वही करते हैं ये लोग यहाँ पे। पता है मेरे से ना आई शेडो खुद से कभी नहीं होते एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ना स्किप ही कर देती हूँ ये वाला पार्ट, मेरे को लगता है कौन इतनी मेहनत करेगा, बट अब ये कर रहे हैं ना मेरे को मज़ा आ रहा है। क्या आपको भी मॉडल चीक बोन्स चाहिए? कॉन्टोर करें, मिल जाएंगी। ऑल्सो मन्नी बिहाइंड द सीन्स, हेलो, ये रहा मन्नी। यार वो साइड में देख कितनी प्यारी बच्ची करवा रही है, जब मैं छोटी होती काश तब मेरे को ये मौका मिलता, नो रिग्रेट्स, अभी भी करवा रहे, बट वो बहुत प्यारी लग रही है, उसने बटरफ्लाई बनवाई है। ओह गॉड, वैसे तो इतने सारे ऑप्शन है, मैंने तो खुद ही चूज़ कर लिया, गोल्डन भी है बट मुझे सिल्वर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, मेरे को सिल्वर गोल्डन के साथ सिल्वर क्यों अच्छा लगता है, मेरे को कभी मैच करना पसंद ही नहीं है, ऐसा लगता है ये स्टैंड आउट होते हैं, अलग से दिखते हैं। आईब्रो मैंने अच्छी कर रखी थी ऑलरेडी, उन्हें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस ब्रश आउट कर रहे हैं, दैट्स इट। एक चीज़ तो मैंने अच्छी करी, फ्लावर बस, मैं रो दूंगी। ओह माय गॉड, मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है, मेरे को लगता है अब तो इस चैनल पर इस्टेब्लिश हो ही गई है ये बात, और मेरे फेस पर फ्लावर है, मेरा पूरा फेस भर दो फ्लावर से। मैं बिल्कुल ही बदली हुई लग रही हूँ यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे मेकअप तो हो ही गया है, मेरे यहाँ पे फ्लावर्स लगे, ग्लिटर लगे, बॉडी पे भी लगाया उन्होंने, मेरा हेयर बन गया है, बन किया है इतना अच्छा प्यारा, और बिल्कुल खिंच नहीं रहे हैं बाल। ज्वेलरी टाइम है फाइनली, उन्होंने मेरे को इतना मस्त सुंदर नेकलेस दिया है, कमर बंद दिया है और कड़े, तो उन्होंने मेरे को ये बैंड दिया है जिसपे ये 94 का लॉकेट बना हुआ है, इन्होंने मेरी इसके साथ फ़ोटो ली है जस्ट अभी, ताकि बाद में जब मेरे को फ़ोटोज़ मिलेंगी ना 30-40 फोटोज़, तो उन्हें पता चले कि ये नंबर का इस पर्सन को फ़ोटोज़ देनी है। सच अ नाइस कॉन्सेप्ट, आई लाइक इट।
पैसे तुम्हें नहीं भरेगा. तो हम 9 लाख किप दे रहे हैं जो कि यहाँ की करेंसी है. हमारे हुए कुछ 3500-3600 के बीच में. मैंने जस्ट रियलाइज किया कि अगर मैं इंडिया में किसी नॉर्मल सैलून में भी जाती हूँ, लाइक डिसेंट सैलून में भी, सिर्फ मेकअप के लिए, तो वो ही मेरे 4-5 हज़ार ले लेते हैं यार. लेकिन यहाँ पे 3500 में मेरा मेकअप इतना तगड़ा वाला, लाइक विद ये आर्ट के अलग से पैसे होते हैं वहाँ पे. हेयर मिला, हेयर के अलग पैसे लेते हैं हमारे यहाँ पे. प्लस आउटफिट भी मिला है एंड फोटोशूट भी होने वाला है. भाई साहब मेरे को तो ये डील लग रही है यार, बहुत ही सही है. क्या हमें येलो अम्ब्रेला लेने चाहिए या व्हाइट वाला? आई गेस व्हाइट जा रहा है ना. लेट्स डू व्हाइट. ओके थैंक यू बाय. ओके सी यू. एंजॉय योर फोटोशूट. यस लेट्स गो. मीटिंग यू हियर. ओके हम प्रिटी गर्ल्स बन के घूमेंगे आज लाओस की सड़कों पे. मेरे को यही काम में बहुत ही खुशी मिलती है और आई एम वेरी हैप्पी. घर ले जाऊंगी, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी छोटी सी चल रही है पीछे पीछे से भी. यार ये सारा एक्चुअल में काम आ रहा है. ये देखो ये रहा हमारा टेम्पल, इसके अंदर जाना है. ऑल्सो हम रात को यहीं पे घूमने वाले हैं फोटो शूट करने के बाद. यहाँ पे ये नाइट बाजार लगता है, ये अभी सेटअप हो रहा है, रात तक तो पूरा ही लग जाएगा. एंड इसके आगे खाने वाली जगह है भाई साहब. यहाँ का फूड आई लव इट सो मच. खाना बाद में, पहले काम. मतलब तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बता भी रहे कैसे पोज करना है. ओके पोस्चर भी ठीक कर रहे हैं यार. नहीं लगाना पड़ रहा है मेरे को. लगा मैं 40 फोटो है तो 40 पोज कैसे दूंगी. वो मेरे को एक एक पोज बता रहे हैं. वाओ मतलब आराम से हमने 10-15 पोजेस कर लिए हैं जिसमें मेरे को बिल्कुल भी ऐसे ब्रेन नहीं लगाना पड़ा. आराम से वो मेरे को बता रहे हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो और इतने तगड़े पोजेस बता रहे हैं. बहुत ही प्रिटी प्लेस है. मेरा सबसे पहले हुआ है. पीछे तुम देख सकते हो जो हमारे साथ लोग थे उनका अभी टर्न है. तो या विल वेट, तब तक इन्जॉय करते हैं. मेरे को तो लुक अच्छा लग रहा है. मन्नी को कैसे लगा? तेरा क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है? मस्त अच्छा लग रहा है. मन्नी को सब मस्त लगता है. ये मैंने चूज किया कलर एक्चुअली. बिहाइंड द सीन सारी सिलेक्शन मन्नी की रही है. मन्नी को शाउट आउट दिया जाता है. मन्नी में पेशेंस भी बहुत है. वैसे हमें 1 घंटा तो आराम से लगा ये पूरा सेटअप वगैरह करने में. एंड ही वॉज वेरी पेशेंट इनफैक्ट फिल्मिंग मी बिहाइंड द सीन ट्रैवल करते हुए. जय हो मन्नी की जय हो. तो हमारा सेकंड लोकेशन जो मेरे को टेंपल लग रहा था, ये एक्चुअली में म्यूजियम है. तो ये हमारी सेकंड लोकेशन है. म्यूजियम के सामने फोटोशूट. सब हमारा पेन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. दिखने में ये सब कुछ बहुत ही प्रिटी एंड ग्लैमरस लग रहा है, लेकिन वो पोज करते हुए ना ऐसे सांस नहीं रोकनी पड़ती है. वैसे हम थोड़े थके हुए हैं क्योंकि हम दूसरी सिटी से यहाँ पर आए हैं. हम पहले कहीं और ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ से हम सुबह ट्रेन पकड़ के यहाँ पर आए हैं. मेरे को तो देखो मज़ा ही आ रहा है. अभी मेरा हो गया है, मेरा फर्स्ट था. एंड अगेन अभी सबकी टर्न है. एंड अभी बहुत ही मस्त लाइट हो रखी है, लाइक गोल्डन आवर हो रखा है. और क्या ही चाहिए, लाइक प्रिटी पिक्चर्स. हमारी सेकेंड लोकेशन भी हो गई. ऑल्सो पूरी मार्केट भी लग गई है. पूरा इवनिंग का टाइम हो गया. ओके थैंक यू मन्नी. मन्नी इज मेकिंग श्योर मैं गिर ना जाऊँ. वैसे मेरे को लग रहा है कि हम एक और लोकेशन करने वाले हैं जो कि शायद सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा हम दो ही करने वाले हैं. कराओ कराओ, मेरे को तो मज़ा ही आ रहा है. देखो मार्केट कितनी प्यारी लग रही है. यस ये बहुत लंबी मार्केट है, पूरी स्ट्रेट मार्केट है और बिल्कुल एंड में खाने पीने वाले स्टॉल्स है. वैसे फन फैक्ट, हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट करा हुआ है, वो भी बहुत ही थोड़ा, क्योंकि सुबह इतना खाया नहीं जाता. एंड हमने सोचा था कि हम यहाँ पे आके लुआंग प्रवांग में आके लंच करेंगे, लेकिन हम वो स्किप करके ये कर रहे हैं. और अभी 6 बज चुके हैं एंड अभी भी डे ओवर नहीं हुआ है. हमारा एक और शूट बचा है. यस हैविंग सो मच फन. खाना तो घर पे जाके भी खा. तूने मुझे बताया नहीं, मैं तेरे को देखने वाला था. आई गेस अभी हम रैंडम लोकेशन ले रहे हैं. हमने ट्रेडिशनल कल्चर वाली तो ले ली, लेकिन अभी थैंक यू. थैंक यू सो मच. मैं तो खुशी हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स दो, क्या चाहिए. और हो गई हमारी बारी. आई गेस हो गया अब हमारा शूट. ऑल्सो शाम हो गई ना, शाम होते ही यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड लगना स्टार्ट हो जाता है. और जस्ट ये रहा और ऐसे खुशबू का झोंका आ रहा था शूट करते. एक तो कुछ खाया नहीं तो और सुगंध आ रही है. बट ये वी आर डन आई गेस. ये अंधेरे में भी कितनी मेहनत करके अच्छे से लाइट वगैरह करके प्रॉपर शूट कर रहे हैं. मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया. तो तुम्हें मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारी फेवरेट फोटो कौन सी थी. वैसे तो 30-40 फोटो है, उसमें से मन्नी अपनी फेवरेट खुद उसने लगा दी होगी वीडियो में से. गाइस मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पे आओगे मस्ट हैव एक्टिविटी है. तुम्हें लग रहा होगा हाँ नॉर्मल सा फोटो शूट ही तो है. नहीं यहाँ प्रॉपर एक्सपीरियंस है. प्लस आसपास घूमने को मिलता है, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, नया कल्चर भी एक्सपीरियंस कर रहे हो. व्हाई नॉट. तो अब हम बस वापस जाएंगे. आउटफिट एंड ज्वेलरी एक्सेसरीज वगैरह सब हमें वापस करना है. आई चेंज इन टू माई पुराना वाला क्लोथ, बट मैं मेकअप यही करके घूमने वाली हूँ. एंड इसके बाद हम शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे. सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. ऑल्सो जो शॉप का नेम है वो मैं नीचे लिख दूंगी, मुझे एकदम से अब ऐसे याद नहीं है. मैं एड्रेस भी नीचे डाल दूंगी. सो डू चेक इट आउट. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब. दूसरी वीडियो में मिलते हैं. बाय.